नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं गंगा दशहरा। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 20 जून को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से माँ गंगा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ गंगा की पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु दुर्भाग्य से इस बार कोरोना वायरस की वजह से घर में रहकर ही माँ गंगा की पूजा अर्चना करें। आइए जानते हैं गंगा दशहरा की पूजन विधि, महत्व, शुभ मुहूर्त, मंत्र इत्यादि के बारे में। शुभ मुहूर्त इस दिन जो है वो सबसे पहला मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, जो 4:03 से 4:44 प्रातः ब्रह्म काल बेला में है। दूसरा मुहूर्त है अभिजिद मुहूर्त, जो 11:55 से 12:51 तक है, दोपहर के समय। और तीसरा है अमृत काल, जो 12:52 से 2:21 दोपहर में है। उसके बाद है विजया मुहूर्त, जो 12:42 से 3:38 तक है। और एक जो मुहूर्त है वह है गोधूलि काल मुहूर्त, जो 7:08 से 7:32 तक सायंकाल है। गंगा दशहरा पर जो पूजा विधि है वो इस प्रकार है कि इस दिन सुबह प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस बार कोरोना वायरस की वजह से गंगा स्नान नहीं कर सकते, इसलिए घर में रहकर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर माँ गंगा का ध्यान करना चाहिए तथा उसके बाद स्नान करना चाहिए। घर के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करें। इस दिन माँ गंगा का अधिक से अधिक ध्यान करें और इस दिन दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, तो जल आदि घट आदि का दान करें। घर में ही रह करके माँ गंगा की पूजा आराधना इत्यादि करें और भगवती से प्रार्थना करें, हे माँ, जैसे आप पतित पावनी जगत के सभी पाप ताप संताप को नष्ट करती हैं, तो हे माँ भगवती, जो हमारे देश में इस संसार में जो कोरोना वायरस रूपी जो ये शत्रु है, जो ये ताप है, इसका विनाश कर दे माँ, हमारे सबके जीवन को निर्मल बना दे। और भगवती के माँ गंगा के परम पावन मंत्र का जप करना चाहिए, जो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारण्यै नमो नमः। इस प्रकार ये गंगा दशहरा का जो महत्व है वो मैंने आपको बताया। धन्यवाद।